सोंदी साहब, आज हमारे समाज के लिए और कसौली तहसील के लिए बड़ा ही खुशी का दिन था कि आज हम गोस्वामी बाबा नाभदास जी का प्रकाश दिवस 9 नंबर के अम्बेडकर नगर में मना रहे हैं। सबसे पहले आज हमने सुबह बाबा जी की झांकी निकाली, जो जिसने कि पूरे शहर का एक चक्कर लगाया। उसके बाद हमारा जो जंज घर है वहाँ हमने लंगर का आयोजन भी किया। 1 बजे से 5 बजे तक वो लंगर हमने लगाए रखा। पूरे बसोली के लोगों ने इसमें भाग लिया, प्रसाद ग्रहण किया। पर थोड़ी सी एक दुखद घटना भी हमारे मोहल्ले में हुई थी। हमारे एक बड़े ही लंगर कमेटी के कार्यकर्ता थे श्री जयपाल जी, जिनका निधन 31 मार्च को हुआ। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान। तो अमित जी, जैसा कि आज बसोली में गुरु नाभदास जी का जन्म दिवस है, बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं 1 से अमित मेहरा, मुझे इस चीज़ का पहले ही पता लग गया था। इन लोगों ने इनविटेशन भी दिए हुए थे हर जगह से, हम लोगों ने इंटरनेट वगैरह पे भी डाला था। आज का पूरा प्रोग्राम पूरे दिन से काफ़ी अच्छा रहा और लोगों ने काफ़ी उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। अभी भी जैसा आप देखेंगे तो लंगर इस समय चल रहा है, जो कि 5 बजे तक लगातार चलेगा और अगर आगे ज़रूरत हुई तो आगे भी चलेगा। इस उपलक्ष्य में, इस इवेंट के टाइम में, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने डॉक्टरेट का जब डिग्री हासिल किया और उसके बाद जब उन्होंने भक्तिमाल लिखा, उन्होंने पूरे 200 से प्लस संतों के बारे में इस पर बात की। जो सतयुग से लेकर कलयुग तक जितने भी नॉमिनेटेड संत थे, सबको उन्होंने भक्तिमाल में संग्रहित किया और वो आज भी आपको इंडियन आर्काइव में मिल सकता है। जो भारत सरकार का आर्काइव है उसमें आपको मिल सकता है, जिसको जितनी जानकारी चाहिए उसमें से मिल सकती है। बसोली ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, खास करके 9 ने। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे चलता आ रहा है और इस बार हम भी इसके सहभागी बने हैं। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस उपलक्ष्य में समय निकाला और हम लोगों को हमारे शिरकत करने के लिए यहाँ पे आए। आपका धन्यवाद। आपको सॉरी, आशीष आशीष दिया जाता है, जो शांति साहब के पास बहुत।